अब देखो इसने स्टेप दे रखे हैं अपने को। फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4, सेकेंड स्टेप में लिख रहा है वो x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एज बोथ साइड एन जीरो। बिकॉज यदि आप चेक करोगे x की वैल्यू 4 है तो x माइनस 4 की वैल्यू 0 आएगी एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर की वैल्यू भी 0 आएगी, तो 0 इक्वल टू 0 लिखा है बेसिकली इसने। एंड थर्ड स्टेप में क्या किया इसने, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू में एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फोर्थ स्टेप में वो बोल रहा है कि इनको कैंसिल आउट कर दिया जाए एंड 1 इज इक्वल टू में एक्स प्लस 4 बचेगा। फिफ्थ स्टेप में बोल रहा है वो एक्स इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। विच ऑफ द रॉन्ग स्टेप, इनमें से रॉन्ग स्टेप कौन सा है, 1 से 2 में, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब देखो बेसिकली यदि आप थर्ड स्टेप में इसने क्या किया है, एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 को कैंसिल आउट किया है, इन दोनों को कैंसिल आउट किया है, क्लियर है। बट इनकी वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 4 की वैल्यू 0 है, तो 0 से 0 को दोनों साइड में कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता है, क्लियर है। तो यहां से इन दोनों को, बिकॉज यदि आप इसको डिवाइडेशन में भेजोगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है विच इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो ये स्टेप जो कर रहा है वो यहां से यहां पे जाने वाला, जहां पे उसने कैंसिलेशन किया है x माइनस 4, इसके अलावा बाकी सारा सही है। आप 4 को इधर लेके आओगे तो x माइनस 4 बन गया, तो यहां से क्या बना, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 0 को मैं x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ बिकॉज इसकी वैल्यू भी क्या है 0। एंड 2 से 3 में यहाँ पे उसने आइडेंटिटी यूज की है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये भी ट्रू है, बट 0 से आप 0 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, तो ये स्टेप रॉन्ग है, इसके बाद कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ हुई है। तो जो 3 to 4 जाने वाला स्टेप है वो रॉन्ग स्टेप है, ओके। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन